लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। बीसीसीआई ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की टी20 सीरीज के लिए 15 मेंबर वाले इंडियन स्क्वाड की घोषणा कर दी है। सीरीज का पहले मैच 7 अक्टूबर को रांची में खेला जाएगा। टी20 सीरीज के लिए शिखर धवन की वापसी हो गई है, वहीं अजिंक्य रहाणे को टीम में जगह नहीं दी गई है। टी20 सीरीज के लिए रहाणे के अलावा वन अड्डे सीरीज में शामिल रहे उमेश यादव और मोई, शमी को भी जगह नहीं दी गई है। सीनियर क्रिकेटर आशीष नेहरा की 8 महीने बाद टीम में वापसी हो गई है। उन्होंने पिछला टी20 मैच इस साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था। आशीष नेहरा ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर में 26 मैच खेले हैं, जिनमें 34 विकेट लिए हैं। दिनेश कार्तिक को भी टी20 सीरीज के लिए टीम में शामिल किया गया है। उन्होंने आखिरी मैच जून 2017 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था। वाइफ की तबीयत खराब होने की वजह से वन अड्डे सीरीज नहीं खेल सके शिखर धवन को टी20 सीरीज के लिए टीम में जगह दी गई है। टी20 सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर शनिवार को रांची में होगा, दूसरा टी20 मैच 10 अक्टूबर मंगलवार को गुवाहाटी में होगा। सीरीज का आखिरी मैच 13 अक्टूबर शुक्रवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। ये है टी20 मैच में खेलने वाले प्लेयर: विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन, लोकेश राहुल, मनीष पांडे, केदार जाधव, दिनेश कार्तिक, एमएस धोनी, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, भुवनेश्वर कुमार।